पीयूष और रूपाली का 2 साल पहले तलाक हो चुका था। उनकी शादी का अंत बहुत ही लड़ाई, झगड़े, नफरत और बुरे हालातों के साथ हुआ था, इसलिए वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। पीयूष डिवोर्स के बाद कनाडा शिफ्ट हो गया था, जबकि रूपाली यही रह गई थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। उनके एक कॉमन क्लोज फ्रेंड की शादी थी और वे दोनों इस शादी में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखकर इग्नोर किया। शादी का आयोजन एक खुले लॉन में किया गया था। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़कने लगी और बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी। इस अनहोनी के चलते शादी में आए सभी लोग भागकर अपनी अपनी कारों में छुप गए ताकि खुद को सुरक्षित रख सकें। बारिश इतनी भयंकर थी कि पूरे इलाके की बिजली चली गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। इसी बीच पीयूष, जो अब रूपाली से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते उसने रूपाली को फोन किया। उसने सोचा कि वह कहीं सुरक्षित तो है ना। फोन की घंटी बजी और कुछ सेकंड बाद रूपाली ने फोन उठाया। पीयूष ने पूछा, रूपाली तुम ठीक हो? बारिश से बचने के लिए कहीं सुरक्षित जगह मिली? रूपाली ने हल्की सी घबराई हुई आवाज में जवाब दिया कि वह टैक्सी से आई थी और अभी वह लॉन के पास बने एक छोटे से ब्राइडल रूम में है। पीयूष ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या वहां और कोई भी है तुम्हारे साथ? रूपाली ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अचानक फोन की लाइन कट गई। पीयूष का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो चुका था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा कि शायद वहां कुछ गलत हो रहा है। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। बिना समय गंवाने पीयूष ने गाड़ी का दरवाजा खोला और ब्राइडल रूम की तरफ भागा। लॉन में पानी भर गया था और हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने ब्राइडल रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वह जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। पीयूष ने अंदर झांका, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। लाइट ना होने के कारण बहुत कम दिखाई दे रहा था। कमरा खाली था, बस एक पुरानी कुर्सी और एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था। पीयूष को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसे देख रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने कमरे को ध्यान से देखा तो उसे शीशे में अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन वह परछाई हिल रही थी, जबकि वह खुद एक जगह खड़ा था। पीयूष ने शीशे के पास जाकर देखा तो वह थरथर कांपने लगा। शीशे में उसकी परछाई के पीछे रूपाली खड़ी थी, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बुरी तरह घबरा गया। पीयूष ने तेजी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह वहां फंसा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे अपने आसपास कोई अदृश्य शक्ति महसूस होने लगी। तभी उसकी नजर कमरे के बीचों बीच पड़ी एक चेयर पर गई। रूपाली उस चेयर पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ पीयूष की ओर थी। पीयूष ने धीरे से उसे पुकारा, रूपाली। रूपाली ने धीरे धीरे अपनी चेयर को घुमाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरा बर्फ जैसा सफेद। वह इंसान जैसी नहीं लग रही थी। पीयूष का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत से पूछा, क्या तुम ठीक हो? यहां कोई और भी है? तुमने चेहरे पर क्या लगाया है? रूपाली ने बस हल्की सी मुस्कान दी और बोली, तुम्हें याद है पीयूष, उस दिन अदालत में जो मैंने कहा था? पीयूष को याद आया कि तलाक के दौरान रूपाली ने कहा था कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पीयूष को समझ नहीं आ रहा था कि वह यह सब क्यों कह रही है। उसने कहा, रूपाली मैं माफी मांग चुका हूं, लेकिन अब यह सब छोड़ो, हमें यहां से निकलना चाहिए, यह जगह सुरक्षित नहीं है। रूपाली ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद सही हो पीयूष, यह जगह वास्तव में सुरक्षित नहीं है। और तभी कमरे की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से दीवारों को खरोंच रहा हो। पीयूष को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह रूपाली की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसके कंधे को छुआ, वह कंधे अचानक से धूल में बदल गया। पीयूष पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रूपाली वापस से शीशे में दिखने लगी।
वो बेहद डरावनी लग रही थी और पीयूष को देखकर हंस रही थी। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो चुकी थी। कमरे में अचानक से ठंडक बढ़ गई। पीयूष को समझ में आ गया कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरे में फिर से वही खरोंचने की आवाजें आने लगीं। अचानक शीशे के अंदर से रूपाली बहुत गुस्से से चीख कर बोली, तुमने जो बोया था अब वही काटोगे। उस रात के बाद पीयूष कभी किसी को कभी नहीं दिखा। पीयूष के दोस्त और फैमिली ने उसे कई दिनों तक खोजा लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। और रूपाली, वह तो 2 साल पहले ही सुइसाइड कमिट कर चुकी थी क्योंकि पीयूष और उसका परिवार कनाडा में शिफ्ट हो चुके थे, इसलिए उन्हें रूपाली मर चुकी है इस बारे में पता नहीं था।